साथियों, आपकी किचन में खाना बनाने के लिए कौन सा ऑयल इस्तेमाल होता है? दोस्तों, आजकल मार्केट में खाने के तेल में काफी मिलावट हो रही है, रिफाइंड भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, कई घर में लोग खाने के लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऑलिव ऑयल का फायदा क्या है? ऑलिव ऑयल कैसे हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है? इसमें ऐसा क्या होता है कि हमें इसका इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए? ऑलिव ऑयल को लेकर हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के जरिए मैं आपको खाने में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करने पर होने वाले फायदे के बारे में बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। साथियों, अगर आप खाना बनाने के लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आपकी हड्डियों को मजबूती मिलती है। हड्डियों के दर्द से राहत पाने के लिए आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑलिव ऑयल में कैल्शियम के अलावा ऐसे गुण पाए जाते हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या से राहत दिलाने में आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, भारत के लिए डायबिटीज़ एक बड़ी चुनौती बन गई है। हमारे भारत में करीब 10 करोड़ लोग इस समस्या के शिकार हैं। ऐसे में डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, और डायबिटीज़ कंट्रोल करने में ऑलिव ऑयल आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। डायबिटीज़ के मरीज को जैतून के तेल से बना हुआ भोजन करना चाहिए। ऑलिव ऑयल में ओलियोप्रोपेन होता है, जो जैतून का सबसे पावरफुल पॉलीफेनॉल है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जिससे शरीर को कई फायदे मिलते हैं, साथ ही ब्लड शुगर लेवल भी ये कंट्रोल करता है। साथियों, सर्दियों में अक्सर मोटापा बढ़ने लग जाता है, और ये समस्या पूरे भारत में 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों को है। हमारे देश में 13 करोड़ से ज़्यादा लोग मोटापे के शिकार हैं। अगर आप मोटापे से परेशान हैं या फिर मोटापे से दूर रहना चाहते हैं तो आपको ऑलिव ऑयल से बना खाना खाना चाहिए, क्योंकि इसमें अनहेल्दी फैट काफ़ी कम मात्रा में होता है, और इसमें मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड मोटापे और चर्बी को शरीर पर जमने से रोकते हैं। डाइजेशन के मामले में भी ऑलिव ऑयल बाकी तेलों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। साथियों, अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान हैं तो आपको रोज़ाना ऑलिव ऑयल का सेवन करना चाहिए। रोज़ाना ऑलिव ऑयल का सेवन करने से आप हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से राहत पा सकते हैं, क्योंकि ऑलिव ऑयल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से होने वाली सूजन को कम करते हैं। ऑलिव ऑयल में विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, ये सब काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है, चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, कील मुहासे हो जाते हैं, ऐसे में भी ऑलिव ऑयल आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि ऑलिव ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई के गुण होते हैं। विटामिन ई स्किन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। स्किन पर ऑलिव ऑयल की मालिश करने से झुर्रियों, मुहासों और रूखेपन से बड़ी आसानी से राहत मिलती है। अगर आप भी स्किन की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, ये काफ़ी बेस्ट है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि सभी तेलों के मुकाबले ऑलिव ऑयल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है। इसलिए अगर आप फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं तो खाना केवल ऑलिव ऑयल में पकाएं, ऑलिव ऑयल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। यह आपको फिट रखने में, हेल्दी रखने में बड़ी मदद करेगा। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कुछ कमेंट करना चाहें, आपके मन की कोई बात हो, आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर लिखिए। आप अगर ये भी चाहते हैं कि हम किसी खास मुद्दे विशेष पर कोई रिपोर्ट आपके लिए तैयार करें तो आप वो भी लिख सकते हैं। हम आपके कमेंट को पढ़ करके आप तक वो रिपोर्ट ज़रूर लिख करके आएंगे। और इस तरीके की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, आपका घर परिवार हमेशा खेलता रहे, बीमारियों से दूर रहे, ऐसी हमारी कामनाएं। अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।